हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और कन्नड़ मूवी की जिसका नाम है रामा रामा रे। ये मूवी का रिव्यू करने के लिए मुझे बहुत लोगों ने कई दिनों से कहा था, लेकिन फाइनली ये मूवी मैंने आज देख लिया। और ये मूवी कहाँ अवेलेबल है ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो साथ ही बेल आइकन उसे कर देना प्रेस। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आता है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया डी सत्य प्रकाश ने और इसे म्यूजिक दिया वैसुकी वैभव ने। अब मैंने इन दोनों का नाम इसलिए लिया कि ये दोनों इस फिल्म के मेन हीरो हैं। हालांकि एक ने इस मूवी को डायरेक्ट किया और दूसरे ने इस मूवी को म्यूजिक दिया है, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों के बिना ये फिल्म बहुत ही अधूरी रहेगी। क्योंकि ये फिल्म बहुत ही सिंपल है लेकिन डायरेक्शन और म्यूजिक ने इस फिल्म को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया, मैं तो बोलूँ कनाडा सिनेमा में कल्ट मूवी के नाम से जानी जाएगी। और ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है इतना यूनिक है कि मैं मतलब स्टार्ट जैसी ये मूवी होती है तो कुछ ही पल में आपको जो इंटरेस्ट बिल्ड होता तो वो इंटरेस्ट आपका लास्ट तक बना रहता। और थ्रू आउट द फिल्म आपको हंसाएगी, आपको इमोशनल कराएगी। और इसका जो म्यूजिक है वो इस मूवी की एकदम जान, मतलब बोलता है ये म्यूजिक के बिना ये फिल्म का कुछ भी मतलब नहीं था। और इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको जगह से हिलने नहीं देगा। खैर, इस मूवी की कहानी बताने से पहले मैं आपको इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि इस मूवी में हमें एक कॉन्टेड क्रिमिनल नजर आता है, एक रिटायर हैंगमैन नजर आता है, एक फौजी नजर आता है, एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आती है, एक यंग कपल नजर आते हैं और कुछ गांव वाले नजर आते हैं। अब इन सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक फिल्म बना दी गई जिसका नाम है रामा रामा रे। खैर, कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है एक वॉन्टेड क्रिमिनल से जो जेल से फरार है। वो इस वजह से फरार होता है कि उसको मौत से डर लगता है और उसको कुछ ही दिन में फांसी होने वाली रहती है, तो इस वजह से जेल से फरार हो जाता है। यहाँ वहां भटकने के बाद वो एक टेम्पो ड्राइवर को मिलता है, टेम्पो ड्राइवर से वो लिफ्ट लेता है। खैर, रास्ते में टेम्पो खराब हो जाती है, तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और वो मिलता है ओल्ड मैन से जो कि रिटायर हैंगमैन है। और उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, कैसे वो दूसरे कैरेक्टर्स इन लोगों को ज्वाइन करते हैं एक अनोखी जर्नी पे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ी जिसका नाम है रामा रामा रे। इस तरह की मूवी कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमें कनाडा सिनेमा की तरफ से देखने मिलेगी। और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2018 में इस मूवी का रीमेक बना था, वो है तेलुगु लैंग्वेज में। लेकिन ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं जब भी कोई मूवी देखता है एक ऑडियंस के हिसाब से देखता हूँ, मैं कभी क्रिटिक्स के हिसाब से या कभी रिव्यू करना इस हिसाब से नहीं देखता। मुझे मूवी अच्छी लगती तो मैं बोलता अच्छी है, अगर खराब लगती तो मैं बोलता खराब है। ये मूवी ट्रॉड में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन्स, बहुत ज्यादा इमोशनल सीन्स और कुछ ऐसे सिचुएशनल सॉन्ग्स जिसके लिरिक्स इतने शानदार है और एक ऐसा इमोशनल मैसेज देती कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो वो मजा खराब हो जाएगा। मैं आपसे इतना कहता कि अगर आपको इस तरह की फिल्में देखना पसंद है जो आपको फैमिली के साथ बैठ के देख सके, उसमें कुछ अलग हटके देखने मिले। और जो म्यूजिक है साउथ की फिल्मों में जिस तरीके से मेलोडियस म्यूजिक आपको सुनने में मिलता है वो आपको कोई भी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ से नहीं मिलता। और इस मूवी में जो म्यूजिक है मतलब मैं उसका दीवाना हो गया। म्यूजिक सुन के आपको इमोशनल फील होता है, म्यूजिक सुन के आपको थ्रिल महसूस होता है। और यार मैं एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं इस फिल्म के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए। मैं बस आपसे इतना बोलूंगा अगर आपको एक बेहतरीन फिल्म देखना है, एक बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन म्यूजिक, एक्टर्स का परफॉर्मेंस और एक ऐसी टाइट स्क्रिप्ट कि आप जगह से नहीं हिलो, ये मूवी आप लोग के लिए। ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कहीं से भी आप लोग बोर नहीं होगी। ये मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाओ। ये विद इंग्लिश सबटाइटल है, जाइए पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखना। इस मूवी का नाम है रामा रामा। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी ने, दुआ में रखना।